व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार क्विज के साथ में। पर पहले आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल और पीआईबी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं, और कंबाइन कर हम इसको बोलते हैं नैनो मैगजीन। तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज की नैनो मैगजीन में। तो आगे बढ़ते हैं क्विज के साथ में, जो कि आप लोग अटेम्प्ट करना है। 8 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक एक कर अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में आंसर बताऊंगा और इससे ये भी पता चलेगा कि कल का लेक्चर आप लोगों ने कितने अच्छे से सुना है। आइए देखते हैं। बात की जा रही है यहां पर वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन द पर्सन 2019, जो यहां पर ये जुलाई 30 को डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम क्या है 2019 की। इंपॉर्टेंट है, थीम डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर 10th नेशनल टेनिस कोच वर्कशॉप, ये रिसेंटली अभी कहां पर देखने को मिलने वाली है। ये जो स्टार्ट होगी सितंबर 20 से 23 सितंबर तक चलने वाली है, जिसमें कोचेज को ट्रेन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो प्रेजेंट साइंस यूज की जा रही है या कोई भी नई जो चेंजेस आ रहे हैं गेम के अंदर उसके चलते हुए। नेक्स्ट बात की जा रही है कमेटी के बारे में, कपिल देव और यहां पर संता रंगास्वामी है, इसके साथ में एक और प्लेयर है जिनको ये चूज करने के लिए रखा गया कि कौन हेड होगा इंडियन क्रिकेट टीम का, नया हेड कोच कौन होगा। तो उसके लिए यहां पर ये कमेटी का तीसरा मेंबर कौन है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, तो कौन सा राज्य है जो शानदार तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर पाया है ये बताना है आप लोगों को। इंडिया का इन्वेस्टमेंट में अगर आप लोग देखेंगे रिसर्च और डेवलपमेंट जितना है, तो R&D में कितना हम लोग यहां पर आज के में अपनी GDP का खर्च कर रहे हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, कोई नई नई चीजें खोजते हैं, तभी तो हम लोग चीजों को आगे यूज कर पाते हैं। आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं ऑनलाइन, आप लोग अपना फोन यूज करें, तो किसी ने इसके ऊपर रिसर्च की होगी, कुछ ना कुछ आप लोगों ने देखा कि जो भी यहां पर इसमें डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। पहले मोबाइल कुछ और हुआ करता था, आज के में कुछ और, आज के में तो ये लैपटॉप भी आप लोग पॉकेट में लेकर घूम सकते हैं, इतने छोटे छोटे लैपटॉप आ चुके हैं। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही एक मुद्दा होता है। तो यहां पर हमारी कंट्री R&D के ऊपर कितना खर्च करती है ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट बात की जा रही है सुगर कैन के प्राइस के बारे में, तो जो सुगर कैन यानी कि जो गन्ना होता है उसका जो प्राइस फिक्स किया जाता है वो सेंट्रल स्टेट के द्वारा फिक्स किया जाता है, और अगर बात करें सुगर यानी कि चीनी का प्राइस किसके द्वारा फिक्स किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। GII के इंडेक्स की बात की जा रही है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो यहां पर सबसे जो टॉप पर कौन रहा, उसके बाद में जो फॉलोड बाय यहां पर स्वीडन USA यहां पर आगे आप लोगों को देखने को मिला। इंडिया की रैंक 57 थी, अब कितनी इंडिया की रैंक हो गई है ये बताना है, तो आप लोगों को रट गई होगी ये, आप लोग एग्जाम में भूलेंगे नहीं, इतना आप लोग याद रखेंगे इसको, क्योंकि कितनी चीजें देखिए रिपीट हो जाती है। ये इसीलिए होते हैं क्योंकि आप लोग एक प्रोसीजर में रहते हैं, न्यूज पेपर सुनते हैं, फिर ये वीडियो आप लोग सुनते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिपीटेडली आप लोगों से यहां पर देखने को मिलती हैं, तो वो क्या रहता है, वो आप लोग याद भी एक तरीके से रिविजन भी आप लोगों का होता रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर सुनेंगे तो काफी कुछ तो यहीं पर ही आप लोगों का रिविजन हो जाता है। अगर बात करें यूनियन कैबिनेट के द्वारा, तो उनके द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, तो यहां पर ये बात की जा रही है, इसको अभी रिसेंटली डिसॉल्व करके मर्ज किया गया ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ये हेल्थ इसके बारे में जो कि अहमदाबाद में है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है। टोटल क्वेश्चन है, अभी आंसर बताऊंगा, मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखेगा। सबसे पहले बात की जा रही है थीम के बारे में, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात की जा रही है, कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन, यानी कि गवर्नमेंट को एक तरीके से यहां पर एक्शन लेना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, तो ये है यहां पर इस बार की थीम। 10th नेशनल टेनिस कोच वर्कशॉप यहां पर गोवा के अंदर होने वाली है, ये 20 से लेकर 23 सितंबर तक चलने वाली है। तीन जो पर्सनैलिटी है, कपिल देव, नेक्स्ट यहां पर अंशुमन गायकवाड़ और यहां पर संतना ये रंगास्वामी, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। तीन पर्सनैलिटी को यहां पर नया हेड कोच चुना है हमारी क्रिकेट टीम का, और 15 अगस्त तक इसको रिपोर्ट सबमिट करनी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के द्वारा बोला गया शानदार तरीके से इंप्लीमेंट की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि यहां पर एक तरीके का इंश्योरेंस आप लोग बोल सकते हैं एक्सीडेंट से रिलेटेड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश काफी आगे चल रहा है इसको इंप्लीमेंट करने में। नेक्स्ट बात की जा रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री में अगर खर्च किया जाता है तो 0.6% से लेकर 0.7% ऑफ द GDP यहां पर खर्च किया जाता है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। अगर सुगर के प्राइस की बात करें, तो सुगर का प्राइस जो है वो मार्केट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसे मार्केट में आप लोग जाएंगे, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है मार्केट में, मान लीजिए आलू बेचे जा रहे हैं, तो आप लोग वहां पर देखने को मिलेगा ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा, एक आधे रुपए का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं महंगा बेचूंगा तो यहां पर मेरे से कोई नहीं खरीदेगा, तो मार्केट खुद डिसाइड करती है कि क्या प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। बाकी जो सुगर कैन का जो प्राइस है जो किसानों से खरीदा जाता है यहां पर, वो यहां पर सेंट्रल स्टेट मिलकर फिक्स करते हैं। स्विट्जरलैंड के द्वारा टॉप किया गया यहां पर GII में यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, बाकी स्वीडन दूसरे नंबर पर और USA तीसरे नंबर पर है। यहां पर इंडिया की जो रैंक है 52 हो गई है, पहले 57 थी, 5 जो प्लेस का जंप हमारी कंट्री के द्वारा लगाया गया है ये आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स जो हेल्थ है यहां पर, ये इसको डिसॉल्व करकर हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ की कैटेगरी में ला दिया गया, जो कि अहमदाबाद में देखने को मिलता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंदर में यहां पर आता है। तो जो भी इसके अंदर जो भी चीजें थी वो सारी इसकी एसेट्स या फिर लायबिलिटी, यानी कि जो कि इसके पास में प्रॉपर्टी थी या जो उधारी थी, वो सारी अब इसके अंडर में आ गई है। ठीक है,
तो ये था हमारा जो आज का क्विज, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब चलते हैं अगले सेशन की ओर। ये है इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। और लेक्चर आप लोगों का थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ गया था, तो जैसे ही मैं आया हूँ आते ही आप लोगों का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसकी वजह से कई बार अर्जेंट काम होता है, जाना पड़ जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट किया कीजिए। आइए देखते हैं आज की आगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज यहाँ पर क्या है। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो जम्मू और कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर उधमपुर में, एक यहाँ पर एक हेल्पलाइन लॉन्च की गई है जिसका नाम है टाइटल जीने दो। जीने दो जो यहाँ पर है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की गई थी, खासकर किस तरीके से जो लड़कियां हैं हम लोग उनको पढ़ा सकते हैं, लड़कियों को हम लोग आके लेकर चल सकते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम थी हमारी कंट्री में, इसका बेसिक पर्पज यही था कि कैसे हम लोग लड़कियों को एक तरीके से सशक्त बना सकते हैं अपनी कंट्री में, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो स्कीम है इसके चलते अभी हमारी कंट्री में यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में ये जो हेल्पलाइन लॉन्च की गई है इसके चलते क्या फंडा देखने को मिलेगा, फायदा ये होने वाला है कि ये जो स्कीम है इसके चलते अगर कोई भी ऐसा होता है, देखिए होता क्या है बेसिकली, लड़की का अगर पता चल जाता है कि गर्भ में लड़की है तो उसको यहाँ पर क्या करते हैं, उसको एक तरीके से अबॉर्शन करा देते हैं। तो ये कंडीशन को रोकने के लिए यहाँ पर ये इस तरीके की हेल्पलाइन है, अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिले तो उसको रोका जाए। इसके चलते हमारी कंट्री में यह प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक, जिसको आप लोग CPCNDT बोलते हैं, ये एक एक्ट है जो कि सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसके यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई इसके तहत ये चेक कराता है तो ये एक तरीके से गलत यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए चेक तो आप लोगों ने करा लिया, फिर उसके बाद में जो ये अबॉर्शन करा दिया जाता है इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बताइए यहाँ पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हमारी कंट्री में कब लॉन्च की गई थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कहां से लॉन्च की गई थी स्कीम हमारी कंट्री में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्योंकि ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में थी स्कीम काफी लंबे समय से। नेक्स्ट जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उड़ीसा से न्यूज निकल कर आ रही है। ऑफिशियली आज यहाँ पर जो GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक का दर्जा ये रसगुल्ले को दे दिया गया है। उड़ीसा का जो रसगुल्ला है उसको यहाँ पर GI टैग दे दिया गया है, और ये जो GI टैग दिया जाता है ये यहाँ पर दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के हिसाब से। ये जो इनका वैलिड रहने वाला है 2028 तक यहाँ पर ये वैलिड रहने वाला है। दोनों वेस्ट बंगाल और जहाँ पर उड़ीसा के बीच में इसको लेकर रस्साकसी चल रही थी, तो यहाँ पर इनको 2017 में ये टैग दिया गया था। अब यहाँ पर उड़ीसा को यहाँ पर ये टैग दे दिया गया और बोला गया कि जो जगन्नाथपुरी की जो यात्रा होती है उसमें अरसों से यहाँ पर ये रसगुल्ला एज ए स्वीट डिश के तौर पर यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो उड़ीसा को फाइनली यहाँ पर बहुत लंबे समय के बाद में ये GI टैग मिल गया है। आगे चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, तो इसके द्वारा अभी रिसेंटली इंपोज किया गया 16 लाख रुपए का ये ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन है, दो उनके ऊपर फाइन, एक तो है MobiKwik, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा जैसे पेटीएम है इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी यूज किया जाता है प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है हिप बार प्राइवेट, ये है लिमिटेड कंपनी, तो दोनों यहाँ पर ये जो RBI की गाइडलाइन है उसको फॉलो करती हुई नहीं पाई गई, यानी कि उल्लंघन करती हुई पाई गई, और दोनों ही इंडियन कंपनी है, इनके बारे में आइडिया रखते हैं। दोनों ये बताइए कहां पर बेस्ड है, यानी कि किस किस एरिया में बेस्ड है दोनों कंपनी, ये हल्का सा आइडिया आप लोग के बारे में रख सकते हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बात की जा रही है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के बारे में। अगर कहीं पर भी कोई डिजास्टर होता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर ये फोर्स पहुंचती है, तो ये फोर्स अभी कहां पर पहुंची, तो एक ट्रेन का नाम आप लोग यहां पर याद रखना है जिसका नाम है महालक्ष्मी एक्सप्रेस। महालक्ष्मी एक्सप्रेस यहां पर अभी महाराष्ट्र के अंदर में एक पर्टिकुलर रीजन जिसका नाम है बादलपुर से वंगई, यहां पर अभी पानी भर गया और जो पानी भरा काफी लार्ज स्केल में, तो ट्रेन जो थी वहां पर वो जाम हो गई। तो ये जो रिवर है, ये रिवर का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, रिवर का नाम है उल्लास रिवर, ठीक है, तो जो उल्लास रिवर है यहां पर इसकी वजह से वो ट्रेन फंस गई और जो भी पैसेंजर थे लगभग 1050 पैसेंजर थे उन सबको वहां से निकाला गया नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स आर्मी और नेवी के द्वारा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, ये नहीं पहुंचेगा कितने आदमी फंसे हुए थे, कहां से ये क्या कंडीशन थी, रिवर पूछ लेंगे आप लोगों से इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि रिवर यहां पर ये थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली, ये ट्रेन का नाम क्या था, किस पर्टिकुलर रीजन में थी यहां पर ये, तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र के अंदर की न्यूज है। ओके आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात करें वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में। सिल्वर मेडलिस्ट जो यहां पर जो फर्स्ट ओलंपिक कोटा जीतने वाली यहां पर बन गई है, खासकर टोक्यो के लिए शूटिंग में, तो ये यहां पर बात की जा रही है। ये यहां पर जो इनके बारे में नाम है इनका अंजुमन, इनके द्वारा मेघाली घोष को 1.7 पॉइंट से यहाँ पर हरा दिया गया है, ये राइफल की कैटेगरी में बात की जा रही है। ठीक है, शूटिंग में हमारी कंट्री की जितनी बेस्ट परफॉर्मेंस शायद ही किसी कंट्री की आप लोगों को देखने को मिलेगी, काफी शानदार तरीके से अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला चैंपियनशिप जिसमें हो रही थी, हमारी कंट्री की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी यहाँ पर अगर रिसेंटली अभी जिस चैंपियनशिप की आप लोग बात करते हैं। फेसबुक पर भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी। वो बताइए जो अभी रिसेंटली यहाँ पर ये शूटिंग से रिलेटेड जो यहाँ पर ये जो टूर्नामेंट देखने को मिल रहा था ये कहाँ पर देखने को मिल रहा था और हमारी कंट्री के द्वारा कितने गोल्ड मेडल जीते गए थे, याद होगा आप लोगों ने, बहुत सारों ने लोगों ने शेयर भी किया था फेसबुक पे वो कंप्लीट न्यूज, तो आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं।
जिसका टाइटल था इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन स्पोर्ट जूनियर कप। तो ये अभी रिसेंटली जो देखने को मिला हमारी कंट्री के द्वारा काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है, काफी अच्छे आंसर दिए गए हैं सिप्रा कश्यप और आरती के द्वारा। और सिप्रा कश्यप के अगर बारे में बात करूं तो इनकी मम्मी अभी रिसेंटली बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में, और उसके बाद भी देखिए यहां पर ये आप लोग एक तरीके से अपनी खुद के फैमिली के मेंबर से आप लोग मोटिवेशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी मम्मी की जो हालत है वो जल्दी ठीक हो जाए। देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर ये होती है कि आदमी के हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, पर उसके बाद कितनी जल्दी आप लोग उससे रिकवर करते हैं और कितनी जल्दी से आप लोग अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात यहां पर ये होती है। तो आप लोग खुद भी अपने आसपास ऐसे मोटिवेशन देख सकते हैं, और खुद हमारे फैमिली मेंबर भी कई सारी ऐसी चीजें जो पोस्ट करते हैं उससे आप लोग मोटिवेट होकर अपने काम को देख सकते हैं। तो कभी भी चीजों को पोस्टपोन मत करो, कोई काम करना है तो उसको उसी दिन निपटाओ, और कोशिश ये करो कि जो भी कंडीशन हो अपने काम को फॉलो कर आप लोग जरूर चलो। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का सोर्स आप लोग बोल सकते हैं इस तरीके से, तो काफी अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं आंसर के बारे में। लार्जेस्ट स्टेट की बात की थी जो कि यहां पर एरिया शेयर करता है बाउंड्री के, जो सबसे ज्यादा हमारी कंट्री का एरिया है, राजस्थान का सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे, चौथे नंबर पर है यूपी, चौथे नंबर पर यूपी एरिया की वजह से, पर फर्स्ट पोजिशन पर यहां पर पॉपुलेशन के हिसाब से फिर है जेएंडके और फिर है गुजरात। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यहां पर कोलकाता वेस्ट बंगाल से स्टार्ट की गई थी हमारी कंट्री में। नेक्स्ट जो बात की जा रही है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर ये एस्टेब्लिश की गई थी 1920 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में, प्रेसिडेंट प्रवीण महाजन है, और अगर बात करें यहां पर ये एफिलिएशन है इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन के साथ में। तो ये कुछ बातें जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आगे डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात की जा रही है, ये न्यूज है यहाँ पर निकल कर आ रही है ये ड्रैगन ट्री स्पेसिस के बारे में। ड्रैगन आप लोग यहाँ पर देखते हैं ड्रैगन ट्री स्पेसिस, ये कैसा कुछ आप लोगों को पेड़ देखने को मिलेगा। होता क्या है यहाँ पर, जो इसके अंदर से ये रस निकलता है ये रस अपना कलर चेंज करके कुछ ऐसा हो जाता है कि ये रेड कलर का आप लोगों को देखने को मिलने लगता है। तो ये जो स्पेसिस है नॉर्मली हमारी कंट्री में देखने को नहीं मिलती थी, इसको मेडिसिन इसी के साथ में यहाँ पर बॉडी ऑयल वार्निश इसी के साथ में और कई जगह डाई वगैरह में भी इसको यूज किया जाता है, पेंट के तौर पर भी इसको कई जगह यूज किया जाता है। तो ये हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी आसाम में देखने को मिला, और ये जो ट्री था नॉर्मली हमारी कंट्री में पाया नहीं जाता है, तो फर्स्ट टाइम ये जो स्पीसीज है हमारी कंट्री में देखने को मिली, तो इसलिए काफी न्यूज़ में आप लोग याद रखते हैं। जो बोटनी जो बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है टेक्सास में उसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन छापी गई है। तो ये जो रिपोर्ट यहां पर हमारी कंट्री में निकल कर आ रही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये किस पर्टिकुलर एरिया में पाया गया है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ये देखने को मिल रहा है। टोटल मिलाकर 9 स्पीसीज देखने को मिलती है, 2 वैरायटीज आप लोगों को हिमालयन रीजन खासकर अंडमान और निकोबार वाले एरिया में, पर लेकिन जो यहां पर रिसेंटली स्पीसीज देखने को मिली है ये हमारी कंट्री में ये जो ट्री है ये बोला जाता है कि रियल में जो यहां पर बोला जाता है इसको बोला जाता है ड्रैगनियन कंबोडियन। ये जो ट्री है यहां पर जिसके बारे में बात कर रहा हूं ये रियलिटी में इसको ड्रैगन ट्री के नाम से पुकारा जाता है, ये एक ओनली स्पीसीज ऐसी है, ठीक है। तो इसकी अभी हमारी कंट्री में पेड़ देखने को मिला है, तो ब्लड के तरीके से यहां पर ये देखने को मिलता है। होता क्या है, ये एक तरीके पौधे का रस होता है जो कि बाहर निकलकर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एक रेडिश कलर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। यहां पर आप लोग इसका कलर भी यहां पर देख सकते हैं, ये इस तरीके से अगर काटोगे तो इसमें से कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा रेडिश कलर में यहां पर निकल के आता है। वो देखिए जो भी किसी न किसी यूज के लिए चीज यूज होती है तो आप लोगों को बताया उसको यहाँ पर काटने पीटने वाले काफी लोग आ जाते हैं। तो चाइना में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में प्लांट में इसको रखा गया है, तो ये हमारी कंट्री में पाया गया है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की जा रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हाथी और इंसानों के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, या तो हाथी मर जाते हैं इंसान मर जाते हैं, और कई बार हमारे द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए गए हैं उनमें भी कई बार झड़प करके हाथी की जान चली जाती है। तो हमारी कंट्री में यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहां पर एक कमेटी सेटअप की गई थी, उसके द्वारा अपनी रिकमेंड दी गई यहां पर, जो रिपोर्ट सबमिट करी है इसके द्वारा ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो एक एपेक्स बॉडी है यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को देखने वाली उसको सबमिट की गई है। तो इन्होंने बोला है कि देखिए इससे रोकने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग बात इनके द्वारा बोली गई है, स्पाइक यहां पर यूज करने की बात की गई है। स्पाइक्स आप लोगों ने जूते देखे ना, मिल्खा सिंह मूवी देखी होगी, उसने बोला था मेरे से नहीं भागा जाएगा इनको इन जूतों को पहनकर, तो वो जो स्पाइक होते हैं यानी कि कुछ इस तरह की कीले यहां पर देखने को मिलेगी। तो जो भी आप लोग खंभा लगाते हैं बिजली का उसके आसपास में आप लोग ऐसी कोई प्लेट बिछा सकते हैं, क्या होगा हाथी जाएगा उसके पैरों में चुभेगा तो वापस चला जाएगा, कम से कम जान उसकी नहीं जाएगी। होता क्या, हाथी टक्कर मार मार के कुछ इस तरीके से करके खंभे को गिरा देते हैं और फिर करंट लगकर खुद मर जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हाथी की जान हमारी कंट्री में जा रही थी रिसेंटली। अभी अगर बात करें तो हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखते हैं टोटल मिलाकर 27,000 के करीब एलिफेंट है, जो टोटल 29 जो रिजर्व है हमारी कंट्री में यहां पर फैला हुआ है 65,000 किलोमीटर एरिया।
तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम, यहां पर काफी लार्ज स्केल में देखने को मिलते हैं हाथी की संख्या। अब कंडीशन ये है कि इन पर्टिकुलर एरिया में देखिए आप लोगों को यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी पड़ेगी और वहां पर ये खंभे वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो उसी के चलते जो भी ये कंपनी है उनको भी यहां पर इस तरीके से हिदायत दी गई है कि इन सब चीजों पर ध्यान देकर चलो। ज्वाइंट इंस्पेक्शन, ट्रांसमिशन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं उसको ध्यान देकर चलो। उसके पास में कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसीजर करो ताकि हाथी जो है उसको तोड़ ना पाए, और हाथी तोड़ता है तो फिर उसकी जान चली जाती है। तो उसको रोकने के लिए कोई स्ट्रेटजी यहां पर डेवलप करनी पड़ेगी जो कि नेशनल वाइड हमारी कंट्री में जहां जहां पर हाथी पाए जाते हैं वहां इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एलिफेंट की जो मेजर चैलेंज आज के दिन में हो चुका है ये इसको रोकना पड़ेगा। इसी के चलते द हिंदू न्यूज़पेपर में भी यहां पर ये रिपोर्ट किया गया कि यहां पर लगभग 461 जो एलिफेंट है वो यहां पर इन सब रीजन की वजह से 2009 से 17 के बीच में जान जा चुकी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग काफी लार्ज स्केल पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके से कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है तो ये यहां पर हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा अगर आप लोग देखते हैं 461 बोला गया, तो अगर आप लोग इसके यहां पर एवरेज निकालकर देखेंगे तो 50 हाथी लगभग एक साल में मर जा रहे हैं। तो समझ रहे हैं कितना ह्यूज लॉस यहां पर है। तो इसको रोकिए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालिए। नेक्स्ट जो बात है यहां पर ये स्टेट की न्यूज है, देख लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। ये हिमालयन कॉन्क्लेव के बारे में बात की जा रही है, एक तरीके से समूह आप लोग बोल सकते हैं, एक तरीके गठन जो कि आप किस तरीके से पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट करना है उसके लिए यहां पर मसूरी में अभी इसकी मीटिंग देखने को मिली। ठीक है, ये वही मसूरी है जहां पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है। तो बात जो की जा रही है ये वो किया जा रहा है कि डेवलपमेंट यहां पर हिमालयन स्टेट का कैसे करना है। तो उसी के चलते सबसे पहले तो जो डाइवर्सिटी है और जो यहां पर कल्चर है उसको कंजर्व करना है। इसी के साथ में रिवर, ग्लेशियर जो भी देखने को मिलता है, लेक या वाटर बॉडी, जो भी पानी के वहां पर जो भी सिस्टम है कैसे उसको सेव किया जा सकता है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा अटेंड किया गया ये कॉन्क्लेव एज ए चीफ गेस्ट, यानी कि चीफ गेस्ट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी। और यहां पर जो चीफ मिनिस्टर थे वो यहां पर हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, इसी के साथ में वाइस चेयरमैन नीति आयोग के द्वारा भी यहां पर कॉन्क्लेव को अटेंड किया गया। 2018 में नीति आयोग के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल। बेसिक पर्पज ये था कि कैसे हिमालयन रीजन में डेवलपमेंट करना है। जब हिमालयन रीजन की आप लोग बात करते हैं यहां पर तो बेसिकली जो बात की जाती है वो सीरिया की बात की जाती है जहां पर हिमालय फैला हुआ है, यानी कि ये वाला रीजन आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर हिमालयन रीजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहां पर आप लोगों के माइंड में ये आ रहा हो कि राज्य कौन कौन से हैं, तो उसके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं राज्य के ऊपर। तो जो राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, टोटल 12 स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और 2 डिस्ट्रिक्ट यहां पर ये है दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग आसाम के दार्जिलिंग, और यहां पर इसी के साथ में क्लिंगपोंग इन वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल एरिया यहां पर कवर किया जा रहा है इस पर्टिकुलर चीजों के अंदर, कैसे इसको डेवलप करना है क्योंकि ये हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। कैसे मॉनिटर करना है कोई भी पोलम, और कैसे जो यहां पर एक तरीके से आइडेंटिफाई की गई है जो भी रिपोर्ट्स यहां पर आज के दिन में देखने को मिल रही हैं उनके बेस पर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है पर्टिकुलर एरिया की, और जो रिवर बेसिन है या फिर जो रीजनल एरिया में कैसे हम लोग रिवाइव कर सकते हैं जो वाटर बॉडीज हैं, यानी कि एक बेसिक पर्पज ये है कि एक आप लोगों को सुंदरता भी बनाए रखनी है और एनवायरमेंट को भी बचा के रखना है और टूरिस्ट एक्टिविटी भी बढ़ानी है और स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप भी यहां पर बात की जा रही है। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है पर्टिकुलर एरिया में। तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज़ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो काउंसिल है किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बात की जा रही है हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल, तो ये यहां पर किसके द्वारा, ये नीति आयोग के द्वारा 2018 में ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ता हूं, ये हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। ये हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। ये जो वर्ल्ड रिपोर्ट है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसके द्वारा यहां पर रिसेंटली अभी बोला गया है कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री है यहां पर, इनमें हेपेटाइटिस जो बी है वो उसको काफी हद तक कंट्रोल करने में सहायता मिली है। हेपेटाइटिस बी अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखो तो एक तरीके से इन्फ्लेमेशन होता है लीवर के अंदर में, लीवर की बीमारी आप लोग बोल सकते हैं। ये कई बार तो आप लोगों को जेनेटिक भी देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में आप लोग जिसे अल्कोहल वगैरह ज्यादा कंज्यूम किया जाता है तो ये भी कंडीशन देखने को मिलती है। हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, सी, डी, 3, 4, ये 5 कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलता है। लगभग जो यहां पर आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे हेपेटाइटिस जो वायरस है ये इन्फ्लेशन जो लीवर में करता है इसके बेस पर जो बी और सी है वो लीड सीवियर डिजीज, ये पॉजिटिवली जो डेथ होती है यहां पर वो ए, ये बी और सी है, ये काफी लार्ज स्केल पर यहां पर इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। जो पीपल आज के डेट में हेपेटाइटिस से यहां पर ग्रसित है यहां पर ये देख सकते हैं, और जो न्यूली इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो ये है, यानी कि 400 मिलियन के करीब ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर ये इससे ग्रसित हैं, और 6 से 10 मिलियन ये एनुअली हर साल यहां पर लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया कि लगभग 410,000 जो लोगों की जान जाती है हर साल इस बीमारी से, तो कैसे इसको कंट्रोल करके चलना है, और खासकर जो डेडली डिजीज है यहां पर
लेस देन 1% अमंग 5 जो ओल्ड चिल्ड्रन है उनमें भी यहाँ पर ये डेडली डिसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लगभग 6 बिलियन पर ईयर एलिमिनेट करने के लिए हेपेटाइटिस को 67 जो लो मिडिल इनकम कंट्री है उनमें यूज किया जाएगा 4.5 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ को रोकने के लिए 2030 तक, यानी कि इतना पैसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इसी के बेस पर अगर एलिमिनेट करना है आप लोगों तो यहाँ पर नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये लगभग 58.5 बिलियन नीड है एलिमिनेट करने के लिए कंप्लीटली पर ईयर इतना देखने को मिलेगा कंप्लीटली अगर 2030 तक करना है तो यहाँ पर इतना आप लोगों को देना पड़ेगा। तो हेपेटाइटिस जो इन्फेक्शन है उसको रोकने की बात की जा रही है लगभग 90% और जो डेथ है उससे लगभग 65% तक कवर करने की बात की जा रही है। तो ऐसी बीमारी तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा इसके बारे में पूरा जो खाका तैयार किया जा रहा है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के बारे में बात की जा रही है। डिफेंस न्यूज की कैटेगरी में आप लोग इसको रखिएगा, फर्स्ट इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। कैसा ग्रुप है यहां पर ये, मान लीजिए कल को हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट एरिया में किसी नॉर्थ ईस्ट एरिया में म्यांमार के साथ में कोई इंसर्जेंसी होती है, वहां पर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो अगर हम लोग अपनी आर्मी नेवी को वहां तक पहुंचाते हैं पूरा आप लोग तामझाम लेकर जाते हैं वहां तक तो काफी टाइम लग जाता है। ये कैसा ग्रुप बनाने की बात की जा रही है जो कि लगभग 24 आवर के अंदर अंदर यानी कि 12 से 48 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। एक तरीके से पूरी लेस ये एक तरीके से सिक्योरिटी पूरी फोर्स होगी जो ग्रुप होगा पूरा जो कि ये काम करता हुआ नजर आएगा। सेल्फ सफिशिएंट रहेगा, हर तरीके की जो थ्रेट होगी यहां पर उसको टैकल करने के लिए इस तरीके से यहां पर इसको तैयार किया जा रहा है। थ्रेट या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में जो भी टास्क होगी वो सारा ये सारी चीजों को यहां पर टैगल करने में एक तरीके से सक्षम रहेगा, ऐसा ग्रुप यहां पर तैयार किया जा रहा है। सॉरी तो ऐसा ग्रुप यहां पर ये तैयार किया जा रहा है ताकि अगर कोई भी वल्नरेबल कंडीशन बनती है, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता होगा जब बात करते हैं हमारी कंट्री में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था 2001 के करीब में, उस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिली थी कि हमारी कंट्री में जब बोला गया कि पाकिस्तान पर अटैक करना है क्योंकि उसने हमारी पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, अगर अंदर घुस जाता उस टाइम पर यहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप था तो हमारे कई सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी जान चली जाती। हालांकि बहुत सारे लोग खुश भी थे कि अच्छा होता अंदर घुस जाते क्योंकि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लोग खुश नहीं है, तो ऐसे भी उस टाइम पर कमेंट देखने को मिले थे। पर लेकिन सबसे बड़ी जो बात है पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया, तो ये एक तरीके से हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी के ऊपर हमारी कंट्री के ऊपर पूरा अटैक हो गया, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक है तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, एक इंसल्ट की बात एक कंट्री के लिए आप लोग बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट भी अगर सेफ नहीं है तो और कहां पर हम लोग चीजों को सेफ कर पाएंगे। उसके बाद में कई सारे स्टेप उठाए गए चीजों को टैकल करने के लिए, तो अगर कोई फ्यूचर में ऐसी कंडीशन बनती है किसी को जॉब देना है तुरंत यहां पर तो उसके लिए यहां पर ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यहां पर होगा। अभी जो इसको बोला गया बनाने के लिए, हालांकि अभी डिसाइड नहीं किया गया कितने ऐसे ग्रुप बनाए जाएंगे, पर लेकिन काफी लार्ज स्केल पर इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है। जनरल रावत 2017 में यहां पर ऐसी रिकमेंडेशन दे गए थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। इसी के साथ में आर्मी की जो प्रोएक्टिव पॉलिसी है कोल्ड स्टार, यहां पर ये भी आप लोग याद रखते हैं, ये भी बेसिकली इसी पर्पज के लिए यहां पर बनाई गई थी कि किस तरीके से यहां पर चीजों को अगर टैगल करना है ऐसी कोई कंडीशन बनती है पार्लियामेंट अटैक के बाद में, तो पार्लियामेंट अटैक काफी गंभीर तरीके से हम दोनों के द्वारा लिया गया था और लेना भी जरूरी था, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहां पर किस तरीके से सिचुएशन को टैगल करना है ये एक आर्मी सेंटर्ड अप्रोच आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बात की जा रही है एनवायरमेंट के बारे में। तो जो न्यूज निकल कर आ रही है यहां पर ये आ रही है टाइगर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के बारे में। अभी हमारी कंट्री में यहां पर आप लोगों को देखने को मिला कि हमारी कंट्री में जो टाइगर की संख्या है वो काफी बढ़ती हुई नजर आई। तो डेटा आप लोग देखते हैं 2006 में 1411 था, फिर 1726, फिर 2226, फिर यहां पर जो अभी देखने को मिला ये 2600 नहीं है 2900 यहां पर, ठीक है ना, ये गलत प्रिंट है यहां पर, तो ये लगभग 2900 के करीब यहां पर इससे भी ऊपर जो अभी रिसेंटली यहां पर जो पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ये 18 की है, सॉरी ये 18 की है, अभी 19 का जो पब्लिश किया गया है यहाँ पर 3000 के करीब आप लोगों को ये टाइगर की संख्या देखने को मिल रही है। तो सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश में यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया 2967 के करीब यहाँ पर ये फिलहाल अभी प्रस्तुत ये देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा कहां पर है। फिर दूसरे नंबर पर कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो एक दो स्टेट यहां पर, फिर उत्तराखंड हो गया, आप लोग इनके नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। टाइगर की पॉपुलेशन अगर देखते हैं तो यहां पर रशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में यहां पर ये इस तरीके से है। तो हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे तो काफी लार्ज स्केल पर टाइगर पाए जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली जो इनकी संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आई है जब डेटा पब्लिश किया गया, और डेटा पब्लिश किया गया हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, जिसका नाम दिया गया है। तो ऑल इंडिया टाइगर जो एस्टिमेशन है यहां पर, अच्छी बात यहां पर यह है कि संख्या इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि काफी अच्छे से आप लोग बोल सकते हैं 33% यहां पर जो टाइगर है वो हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड अभी यहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। 2000 अगर आप लोग कैटेगरी करते हैं, जो सेंसस स्टार्ट किया गया था 2006 से स्टार्ट किया गया था, फिर पब्लिश किया गया 2010 में, फिर 2014 में, अब यहां पर ये पब्लिश किया गया अभी रिसेंटली, ठीक है ना। तो ये चार बार अब तक पब्लिश किया जा चुका है, और अच्छी बात क्या है, तो ये प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं जैसे आप लोग मार्क्स बोले कि मार्क्स बढ़ते हुए होने चाहिए,
क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि मार्क्स घट क्यों रहे हैं। तो अगर बढ़ते हुए आप लोगों के मार्क्स हैं तो अच्छी बात है, अगर घट क्यों रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी कि आप लोगों के टेंथ में अच्छे मार्क्स नहीं थे, वो ट्वेल्थ में टेंथ में अच्छे मार्क्स थे, ट्वेल्थ में फिर कम आ गए, फिर ग्रेजुएशन में आप लोगों के फिर और कम आ गए, फिर पीजी में ठीक हो गए, तो क्या प्रॉब्लम रही है कि बीच में आप लोगों के मार्क्स कम हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, पर लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेसिव रही है। तो स्टेटमेंट आप लोगों से ये भी देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर 2006 से हम लोग काउंट करें हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो हमेशा से बीच में घटी है और फिर बढ़नी स्टार्ट हो गई। ऐसी स्टेटमेंट कई बार ये फेवरेट होती है यूपीएससी की ऐसी स्टेटमेंट, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर ऑल इंडिया अगर देखेंगे तो पूरा यहाँ पर स्टेट वाइज पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ओनली अगर दो राज्य को छोड़ दिया जाए छत्तीसगढ़ और मिजोरम को, ठीक है। तो ये पूरी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में जो कि है उल्हास रिवर, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी, जहां पर अभी बारिश काफी लार्ज स्केल पर होने की वजह से महाराष्ट्र के अंदर जिसमें ट्रेन फंस गई थी। ये रिवर है यहां पर, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के अंदर रिवर है और ये आप लोगों को वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि अरेबियन सी में यहां पर ये ड्रेन जाकर होती है। ये जो रिवर है यहां पर बेसिकली ये आप लोगों जो सिटीज है यहां पर, ये यहां पर बदलापुर, नवी मुंबई और कल्याण, ये है यहां पर दोमा भिवाली, ये पर्टिकुलर एरिया है और जो सोर्स है जहां से निकलकर आती है ये वेस्टर्न घाट से निकलकर आती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रिवर है आज की जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बातें करते हैं, आगे यहां पर जो बात की जा रही है आज का जो रिवीजन है आप लोगों का, ये आप लोग जाकर देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और यहां पर जो एनआरसी प्रोसीजर है उसके बारे में बात की जा रही है। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि कर्नाटका के बारे में जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में कंप्लीट आप लोगों का एक लेक्चर बनाया जा चुका है, वो आप लोग देखते हैं, उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया कर्नाटका की पॉलिटिक्स क्या क्या है और क्या क्या बातें हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया गया आज, फिर उसके बाद में आज का क्विज होगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक क्विज जो कि शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जीने दो कंपेन के बारे में जाना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने रसगुल्ले के बारे में जाना जो कि उड़ीसा को जीआई टैग का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर, आप लोग अपने राज्य के बारे में सर्च कीजिएगा कि कौन कौन सा जीआई टैग दिया गया है और कम से कम दो जीआई टैग के नाम लिखिएगा अगर आप लोगों के राज्य में है। अगर आप लोगों के राज्य में कोई जीआई टैग नहीं है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है आप लोग सक्षम नहीं है खोजने में, तो पड़ोसी राज्य के बता दीजिएगा, वैसे आप लोगों को मिल जाने चाहिए। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बातें करते हैं यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, यहाँ पर इसके द्वारा जो अभी यहाँ पर फाइन लगाया गया उसके बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर एनडीआरएफ के बारे में जाना। अच्छा, हमारी कंट्री में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो टीम है ये कब बनाई गई थी, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, यानी कि ये फोर्स कब बनाई गई थी हमारी कंट्री में, ये कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था कि हम लोग को ये फोर्स बनानी पड़ गई। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर ये चैंपियनशिप के बारे में जानने को मिला। शानदार तरीके से क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के द्वारा दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है, काफी अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने एक ट्री के बारे में जाना जिसको ड्रैगन ट्री बोला गया है, इसके बारे में डिटेल में समझा। हाथी के बारे में जाना कि हाथी को सेव करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, जतन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर जो हिमालयन कंक्लेव के बारे में जानने को मिला, कैसे हिमालयन रीजन में डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट जो न्यूज थी यहां पर ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में जानने को मिला और इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट फर्स्ट इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप ये आईबीजी के बारे में जानने को मिला, क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं हमारी कंट्री में चीजों को सिक्योर करने के लिए। ऑल इंडिया टाइगर एलिमिनेशन के बारे में हम लोगों को जानने को मिला, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए डिटेल में इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोगों ने एक रिवर के बारे में जाना जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में थी और इसका लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, जाकर ये लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 26 लाख रुपए का अभी फाइन लगाया गया है। एक तो यहां पर मोबीक्विक ये पेमेंट सिस्टम है, दूसरा यहां पर कौन सा है उसका नाम आप लोगों को बताना है, दो के ऊपर लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के द्वारा अभी यहां पर एक यहाँ पर हेल्पलाइन लॉन्च की गई, उसका नाम क्या दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत यहाँ पर ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ पर 1050 पैसेंजर को बचाया गया क्योंकि महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन फंस गई पानी में, कौन सी रिवर में ये पानी भर गया जिसकी वजह से फंस गई। नेक्स्ट बात की जा रही है चेन्नई बेस रजिस्टर जो यहाँ पर हमारी कंट्री में जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो दर्जा प्रोवाइड कराने वाली एजेंसी है, इसके द्वारा उड़ीसा रसगुल्ले को यहाँ पर ये जीआई टैग दिया गया है। ये किस टाइम का एक्ट है जो यहाँ पर ये काम करता है, जिसको गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट के नाम से हम लोग पुकारते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है रिसर्चर के द्वारा डिस्कवरी की गई यहाँ पर यह ड्रेक कैनियन कंबोडियन, यहाँ पर आप लोग इसका नाम याद रखते हैं, एक ट्री है ये आप लोगों को बताना है रिसेंटली हमारे कंट्री में किस राज्य में पाया गया है जो कि यहाँ पर ड्रैगन ट्री के नाम से भी जाना जा रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में जो ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोकने के लिए ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को तो रिपोर्ट सबमिट की गई है, तो कौन सी अपेक्स बॉडी है जो यहाँ
पर इसका एनालिसिस करने वाली है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, नवंबर 2018 में किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल हिमालयन रीजन में डेवलपमेंट करने के लिए। तो इससे पता चलेगा आप लोग अगर आंसर ढंग से दे पा रहे हैं तो आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से सुना है, अगर ढंग से आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर नहीं सुना है। तो कोशिश क्या कीजिए, अच्छे से लेक्चर को सुना कीजिए। और इसी के साथ में अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूला कीजिए, लाइक करने से यहाँ पर वीडियो को मुझे भी काफी अच्छा लगता है कि आप लोगों को चीजें पसंद आ रही है। नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ वीडियो पसंद नहीं आ रही है। और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए, चीजों को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक चीजें पहुंचाई जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।